लोग गर्मी और उमस से परेशान थे, ऐसे में मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती घोटाले से भी मध्य प्रदेश के युवा और परेशान और बेचैन हो गए। लेकिन जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई तो ये बेचैनी सरकार के लिए बढ़ गई। जब कांग्रेस ने आरोप लगाए तो ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की बेचैनी इन आरोपों से और बढ़ रही है। लेकिन इसमें तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में हुआ वो कांग्रेस ने करवाया, इसमें युवाओं का कोई योगदान नहीं था। जो छात्र चयनित हो गए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो कह रहे हैं कि कोचिंग संचालकों की आड़ में या उनके कहने पर बच्चे पहुंच गए, वैसे नहीं जाते, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। हम हैं इंदौर में नौलखा इलाके में और ये कोचिंग सेंटर है न्यू अतुल एकेडमी। ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश की व्यापम परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हैं। लेकिन इनके मन में एक बेचैनी हमेशा चलती है और वो ये है, क्या परीक्षा समय पर हो पाएगी, रिजल्ट समय पर आएगा, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर भर्ती मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं, उनसे हम जानेंगे इन सवालों के जवाब। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। क्या नाम है आपका? रवि अंजना नाम है मेरा। और रवि जी, ये बताइए किस जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो सभी की तैयारी करते हैं हम, और आंदोलन सभी की मतलब कोई भी परीक्षा आए, वनडे एग्ज़ाम की अब सारे ही देते हैं। जी जी जी, वनडे एग्ज़ाम की सारी तैयारी करते हैं। अभी दो दिन पहले ही आंदोलन मतलब गए थे, जो अभी आंदोलन में गए थे? जी गए थे, विद्यार्थी का आंदोलन था। आप क्या क्यों पहुँचे आंदोलन में, आपने क्या सोचा? आंदोलन में इसलिए पहुँचे कि हमारे साथ जो मतलब हो रहा है ना, वो बहुत गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? पहली बात तो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जैसे नंबर अब NRI कॉलेज से पता चला है कि 5-5-6-6 टॉपर निकले हैं, तो इतने नंबर फिर व्यापम ने पहले ही गलत 15 से 20 क्वेश्चन गलत बता दिए, फिर उसके बावजूद 184 नंबर आना, 185 नंबर, 187 नंबर आना, कैसे, हाउ दिस पॉसिबल, वही पूछना है। एक ही कॉलेज है और भी कॉलेज है? कॉलेज का एक ही कॉलेज है, NRI कॉलेज अभी, तो और आगे का पता नहीं, मेरे को ऐसा पता है, मतलब जितना पता है उतना पता है। तो आपको क्या लगता है अब इसमें क्या होना चाहिए? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं CBI जांच होनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि रद्द तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर जैसे आधे ने तो खरीदे ने, आधे ने मेहनत से भी दिए, तो जिसने मेहनत से दिया उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना। हाँ, तो इनका कहना है कि जिन्होंने मेहनत से दिया है उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, आधे ने खरीदा भी है। वैसे अगर आप देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या होना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय मोरे। संजय जी कहाँ से हैं आप? खंडवा से हूँ। खंडवा डिस्ट्रिक्ट। खंडवा से हैं। तो जो अभी पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर के आंदोलन हुआ, ऐसा आंदोलन आपने पहली बार देखा या इससे पहले भी आंदोलन आप देख चुके हैं मध्य प्रदेश में इस तरह के? आंदोलन तो ये ऐसा बेरोजगार के लिए बहुत होते हैं, लेकिन इंदौर में इतना बड़ा आंदोलन पहली बार हुआ है। तो क्या लग रहा है, इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई होगी या फिर झूठ होगा, ये भीड़ कैसे आ गई? मतलब सच्चाई है तभी तो इतनी भीड़ आई है। सच्चाई है इसीलिए भीड़ आई। हाँ, इसीलिए तो भीड़ आई है। सच्चाई ये है कि पेपर लीक हुआ है, पहले से ही लीक हुआ है, और ये खरीदने वाले भी 15-15 लाख में खरीदा, ऐसे भी सुनने में आ रहा है। तो जब आपने खबर सुनी कि 15 लाख में बिक गया पटवारी का पेपर, कैसा लगा? सर बहुत बुरा लगा, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे नंबर तो इतने आ ही नहीं रहे हैं। जब सिलेबस अभी चेंज हुआ है तो फिर इतना नंबर पूरे, जब 12-13 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं फिर भी पूरे में से पूरे नंबर आ रहे, तो कैसे आ रही है? यहाँ पर कुछ बेटियाँ भी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बिना बेटियों के कोई बात नहीं करते, तो हम भी बिना बेटियों के कोई बात नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? बबली सोलंकी। आप बताइए कि इस भर्ती आंदोलन जो हुआ पटवारी को लेकर के, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें, गलत हुआ है, सही हुआ है, या मामा जी ने जो जांच के आदेश दिए हैं अब इसके बाद न्याय मिल जाएगा? न्याय मिलना चाहिए, बहुत गलत हुआ है स्टूडेंट के साथ। हाँ, तो जैसे इसमें कह रहे हैं कि एक सेंटर की जांच होगी, तो आपका क्या मानना है, एक सेंटर की ही जांच होनी चाहिए या इसमें और भी सेंटर्स जो है सम्मिलित हो सकते हैं? सभी सेंटर की जांच होना चाहिए। सभी सेंटर की? हाँ। इनका कहना है कि सभी सेंटर की जांच होनी चाहिए। कुछ और बेटियां भी पीछे से देख रही हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मिनका खरते। आप बताइए, पटवारी भर्ती घोटाला ये हो गया है, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रही हो, तो आपके मन में आशंका है कि अगर इस प्रकार के घोटालों की खबरें आ रही हैं तो अन्य परीक्षाओं में भी घोटाले हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। तो हो सकते हैं, जैसे आप तैयारी कर रही हैं, फीस भी दे रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं, तो आप एक जो है विद्यार्थी के तौर पर क्या इसमें चाहती हैं, क्या होना चाहिए? इसमें जो चल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से। और ऐसा
पुनः ना हो अन्य परीक्षा में, इसको लेकर के आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, कि आगे ऐसा ना हो, आगे इस प्रकार की चीजें ना हो। हाँ, तो मनोबल टूटता है आपका ऐसी खबरें सुनकर। हाँ। क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी जी, आप बताइए, क्या लगता है कि सरकार पटवारी भर्ती घोटाले के बाद, जो जैसी की खबरें आ रही हैं कि पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, अन्य परीक्षाओं में घोटाले ना हो, इस पर रोशनी डालेगी? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं ग्वालियर से ही हूँ, मुझे वहाँ से आई हूँ, यहाँ पर 3 महीने हो गए, मैंने बहुत अच्छे से 3 महीने तक तैयारी की। अब जैसे पटवारी का रिजल्ट आया, मुझे पता चला कि फर्जीवाड़ा हुआ है, कॉलेज ग्वालियर का, मैं भी ग्वालियर से हूँ, मैं सपोर्ट नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए कहीं मेरा मनोबल डाउन हुआ है, कि जो मेरा मन लगता था पढ़ाई में, सुबह 8 बजे से हम लोग शाम को 8 बजे तक यहाँ तक बैठते थे, वो पहले पढ़ाई करते थे, वो अब नहीं कर रहे, क्योंकि जब हम यही सोच रहे हैं कि जब सारी सीट बिक जाएंगी तो हम पढ़ के क्या करेंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं, परिवार वाले हम पर विश्वास करते हैं, वो फ़ोन लगा कर पूछते ही हैं कि कब जॉब लग रही है, कब भर्ती निकल रही है, रिजल्ट आ रहा है, ये लोग पास हो गए, पड़ोस के पास हो रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम करें क्या उस चीज़ के लिए। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि वो इस चीज़ पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, और जो आगे इस चीज़ पर ऐसा कोई कानून बनाए कि आगे इस चीज़ के लिए कोई ऐसी धांधलीबाजी नहीं हो। जैसे किसी व्यक्ति को रेप वगैरह किसी लड़की का होता है, तो सरकार तुरंत उसको फांसी पर लटका सकती है, तो इस चीज़ में अगर कोई धांधलीबाजी होती है तो उसको उम्र कैद तो सुनाई सकती है, फांसी पर नहीं लटका लेकिन उम्र कैद तो सुनाई सकती है, ऐसा कोई कानून का प्रावधान करे। जैसे अभी इतनी भीड़, सबसे ज़्यादा जो है इंदौर में भीड़ एकत्रित हुई बच्चों की, तो क्या लगता है कि बच्चे वाकई में, आपको लग रहा है कि इससे आहत हुए हैं, और उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि चुनाव है, चुनाव के समय भर्तियां हो रही हैं, जैसे ही सरकार बन जाएगी फिर लोगों को 4-4 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तो लग रहा है कि निश्चित तौर पर जो है इसको लेकर के धांधलीबाजी हुई है, तभी इतने लोग आ गए? जी सर, बिल्कुल ज़रूर ये धांधलीबाजी हुई है, और बाकी युवा अभी पढ़ने का समय हमारा, तो हम बिना मतलब वहाँ नहीं जाएंगे, और जो लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि विपक्ष का, कांग्रेस का या बीजेपी का, ऐसा कोई नहीं है, ये हम बेरोजगार छात्रों का मुद्दा है, और इस पर धांधलीबाजी हुई, इसीलिए हम लोग वहाँ पर गए हैं, ऐसा कोई हमारा वो उद्देश्य नहीं है कि किसी पार्टी से जुड़ी हो कि उसी चीज़ से नहीं है। और जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका क्या मानना है इस पर, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं परीक्षा रद्द होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं जाँच हो जानी चाहिए, जिन्होंने गलत किया है बस उनको सज़ा मिलनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? सर, मेरा कहना ये है परीक्षा रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति छात्र ऐसा नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के लिए हम जैसे गरीब परिवार के छात्र ही तैयारी करते हैं, और हर एक बच्चे ने ऐसे पैसे देकर नहीं करवाई होगी जुगाड़ से, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने खूब मेहनत भी की होगी, वो अच्छे मन से लगे होंगे, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा। और दूसरी बात सर, अगर इस चीज़ को निरस्त किया जाता है तो जो गुनहगार हैं वो तो बच ही जाएंगे, उनको सज़ा कैसे मिलेगी, तो इस चीज़ के लिए पेपर निरस्त ना किया जाए, बल्कि उसकी जाँच की जाए और उनको अच्छी से अच्छी, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, कुछ चयनित छात्र जो है शिक्षकों को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षकों के बहकावे में चले गए या कोर्स बेचना था, इस तरह का। चूँकि आप खुद छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, ज़रा इस पर आप बताएं खुद, क्योंकि जब छात्र बोलेंगे तो सभी लोगों को ये क्लियर होगा, क्या वो किसी से प्रेरित हैं या ये किसी से प्रेरित हैं, इस प्रकार का आरोप क्यों सामने आया? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब छात्र भी इतना बेवकूफ़ नहीं है किसी शिक्षक के उस पर लेकर, एक कोचिंग में कितना छात्र हो सकता है आप मुझे बताइए, जिस भी संस्थान का नाम दिया 2000-3000, तो 20,000 के छात्र वहाँ पहुँच जाएंगे क्या एक कोचिंग के बोलने से? वो टीचर वो करेगा भी क्यों ऐसा, वो छात्र के हित में बोलेगा, और जो लोग वहाँ पर गए हैं मुझे नहीं लगता, हो सकता उन्होंने खरीद ली हो वैकेंसी, हो सकता वो इसीलिए 20-15 लाख उन्होंने दिए, और अगर ऐसा मुद्दा होता तो 4-6 छात्र क्यों जाते, कम से कम जितने इस आंदोलन में आए उतने वहाँ जाते ना, यहाँ क्यों आते फिर अगर ऐसा को रहता तो? इनका कहना है कि छात्र किसी के कहने पर नहीं गए हैं, हो सकता है कि उनने सीट खरीद ली हो, शायद इसलिए वो पहुंच गए कि उनकी टेंशन शायद इसको लेकर के बढ़ गई। क्या नाम है आपका? सोहन पटेल। सोहन पटेल, सोहन जी, ज़रा आप बताएं, जो सोशल मीडिया पर कुछ छात्र कह रहे हैं इसको लेकर के कि छात्र जो है शिक्षकों के बहकावे में गए, कोर्स बेचना था इसीलिए इस प्रकार की चीज़ें हुई, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, ये वीडियो जो है हम देख रहे थे, नरोत्तम मिश्रा जी के पास छात्र पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कुछ नहीं, जो हम लोग बेरोजगारों का उनका आंदोलन था, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारों का आंदोलन था, कुछ और भी हमारे साथ छात्र हैं, ज़रा उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर उनका। क्या नाम है आपका? जी चलती गुप्ता। ज़रा आप बताइए इस मुद्दे को लेकर के आपके मन में क्या है, ज़रा वो बातें बताएं।
सर ये जो कहना है कि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, ये तो सबसे बड़ा गलत है कि फर्जीवाड़ा नहीं, फर्जीवाड़ा हुआ है। तभी तो 200 में से सीधे 184 नंबर आए, मेहनत वालों के तो 150 के नीचे ही हैं सारे नंबर जितने भी आए हैं। और ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस बीजेपी पार्टी का, ये बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारों का आंदोलन है। और ये किसी की बातों में आके नहीं हुआ, ये खुद के उससे हुआ है, बेरोजगारों का है। और ये जो बयान दिए जा रहे हैं कि इस पर CBI जाँच होनी चाहिए बच्चों का, तो बस यही कहना है। आप मानती है कि इस पर CBI जाँच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ज़रा आपसे जानना चाहेंगे, पहले नाम बताइए आपका क्या है? मकरम रावल। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा था, एक बयान था उनका कि अगर कोई गलत नहीं है तो जांच हो जानी चाहिए, जब गलत नहीं किया तो जांच में कैसा डर। तो क्या लगता है कि वो अपने द्वारा कही हुई इस बात को भूल जाते हैं, अगर गलत सरकार ने नहीं किया तो CBI जाँच हो जानी चाहिए? CBI जाँच बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें क्या लगता है कि पुलिस जाँच करती है तो ठीक से जाँच नहीं हो पाती? नहीं, नहीं होती है। और CBI में भी हाई कोर्ट से जाँच होनी चाहिए। इनका कहना है कि CBI से जांच होनी चाहिए। कुछ और भी छात्र हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? शुभम सोलंकी। शुभम जी, ज़रा आप बताएं क्या अब इसमें कुछ शुभ होना चाहिए इस पूरे मामले पर? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें जैसे अभी मैंने गृह मंत्री जी का वीडियो देखा था, जैसे ये जो चयनित छात्र थे वो गए थे वहाँ पर, तो वो गृह मंत्री जी ये बोल रहे थे कि जो जिसकी फर्स्ट टॉपर है वो जो पूजा जी, पूजा क्या है उनका सरनेम, पूजा राजपूत है ना, वो बोल रहे कि वो हॉस्टल में रह के पढ़ी है, तो उस शादीशुदा है वो कहाँ से हॉस्टल में रह के पढ़ेगी? साफ साफ दिख रहा है, जैसे मैंने भी देखा, गृहमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि वो बच्ची हॉस्टल में रह के पढ़ी है। अगर वो हॉस्टल में रह के पढ़ी थी तो सामने आती ना, ऐसे छुप के क्यों बैठे हैं? सामने आओ। अगर टॉपर हो, जैसे टॉप 10 में जो भी 7 विद्यार्थी हैं और दूसरे भी हैं अधिक, जैसे अभी त्यागी परिवार का कुछ पेपर में चल रहा है दिव्यांगजन हो, और जैसे कि रावत परिवार चल रहा है, पटेल परिवार, ये सब, तो ये सामने क्यों नहीं आते? जैसे कि हम तो आ रहे हैं ना, हम अगर हम हमारे साथ गलत हुआ है, जैसे हम हमारे मेरे 121 नंबर है उसमें एक नंबर से मैं भी रह गया हूँ जैसे खरगोन डिस्ट्रिक्ट से, तो जैसे कि अगर हम रहे हैं तो तुम भी सामने आओ ना। बताइए कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि टॉपर किसी के सामने नहीं आ रहे हैं, या किसी के सामने आए हैं इनमें से जो टॉपर हैं? हर बार ऐसा ही होता है, बहुत बार जैसे फर्जीवाड़ा होता है, जो टॉपर रहते पैसे दे के बनते हैं वो हर बार पीछे हट जाते हैं, छुप के बैठे रहते हैं, और कोई जांच होती नहीं, हर बार कोई भी आंदोलन करता नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि आंदोलन हुआ है और सब खुल के आए सामने, और सब दूर रोक लगाई है इनने, इस बार पटवारी की पोस्ट देने पर अभी इनने रोक लगाई है, तो उसकी जाँच पूरी तरीके से होनी चाहिए। तब तक जाँच नहीं हो तब तक कुछ भी निर्णय नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ दोस्त वगैरह भी होंगे, इन टॉपरों में से कोई भी नहीं आया बिल्कुल किसी के सामने? किसी का भी नहीं। ये है देख रहे हैं, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मैंने मतलब मैं इतना 2018 से तैयारी कर रहा हूँ, 160 से ऊपर कोई गया ही नहीं है, जब जो तब से तैयारी कर रहा है, ये 175 से ऊपर कैसे चले गए? माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके पास भी गए थे, तो वो जैसे कि एक बंदा उसमें से बोल रहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, नियुक्ति नहीं हुई है। अब भाई हम भी कर सकते हैं ना, हम तो एक एक नंबर से रहे हैं। एक मेरे साथ है, उसके करीबन OBC में है, वो 135 वो 0. कुछ ऐसा नंबर है, वो उससे रहा है, तो वो क्या करे, वो भी डूब के मर जाए क्या? वो हम तो लड़ेंगे, अगर हमारे साथ अगर अन्याय हुआ है तो हम तो आवाज़ उठाएंगे। अगर आप भी सब सत्य हो तो आप टॉपरों को बुलाओ, आप भी इकट्ठे हो। तो ये छात्रों ने अपने मन की बात यहाँ पर कही, और हम गोपाल जी से भी इसको लेकर के एक दो सवाल पूछ लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है? गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। सबसे पहले तो ये बताइए, उस वीडियो पर ही मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले जो आरोप लग रहा है कांग्रेस से प्रेरित था और शिक्षकों को लेकर भी उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका अदा करता हूँ। बच्चे से पूछ लेते हैं, क्या यह आंदोलन कांग्रेस का था? नहीं। क्या यह आंदोलन बेरोजगार का था? नहीं। बेरोजगार का था? नहीं। ये इनके असली जीत है। कोई भी कल को आके वहाँ पे मुंह फाड़ देगा कि कांग्रेस का था या किसी भी संगठन का था, किसी संगठन का आंदोलन नहीं था, यह आंदोलन केवल और केवल बेरोजगार युवाओं का था जो व्यापम से पीड़ित हैं। व्यापम में आज घोटाला थोड़ी हुआ है, मैं तो वो प्रूफ भी दे दूंगा जब 2018 के अंदर कांग्रेस की जो सरकार बनी थी और उसमें घोटाला हुआ, वो भी दूंगा मैं तो। मैं तो कह रहा हूँ खुला चैलेंज, बुलाओ ना डिबेट पे, दूध का दूध और पानी का पानी करके रख देंगे, दम हो झेलने की तो बुलाओ, लाइव डिबेट करो ना, हम तर्क के साथ मौजूद हैं वहाँ पर। और दूसरा, जो बच्चों ने बोला कि कुछ शिक्षक मिले हुए हैं, ये बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम किसी को बुलाने नहीं गए, बच्चों का हमारे साथ आत्मीय लगाव है, और मैं ऐसे 13 FIR झेल के नहीं बैठा हूँ बच्चों के लिए। हर बार आंदोलन करते FIR होती है, सब कुछ झेला हमने, कई बार जेल गए, कई बार लट खाए, कोई पहली बार आंदोलन करने का अनुभव नहीं है कि कल को कोई भी बीच में पार्टी आके बोल दे कि हमने आंदोलन किया, ये हमारी मेहनत थी और ये बेरोजगार युवाओं की ताकत थी जो उस दिन दिखी वहाँ पे। अब रही बात, इन्होंने ये कहा कि गोपाल सर कोर्स बेचने के लिए कोचिंग वाले ये करते हैं, मेरे को कोर्स बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरा कोर्स ऐसा है कि हर एक गरीब से गरीब बच्चा भी ले सकता, मात्र 199 रुपये में मैं कोर्स देता हूँ, कितनी कमाई होगी उसमें?
अगर होती है तो बिठा दो मेरे ऊपर जांच, बिठा दो सीबीआई और चेक करवा लो कितना पैसा है मेरे पास। इस प्रकार की जो बात है वो कहीं ना कहीं छवि खराब करने के उद्देश्य से कही गई है। ये छवि खराब करने के उद्देश्य और दूसरा केवल और केवल लिपापोती के हिसाब से इनको ये लगता है कि हम मुद्दे से केवल और केवल भटका दें। अब मध्य प्रदेश का युवा जाग चुका है, ये फोकट काम के जो बयानबाजी करते हैं ना, ये जुमलेबाजी कि उनसे ये सब मामला निपट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम तो जवाब मांगेंगे, अभी जवाब नहीं देंगे, हम रणभूमि में मांगेंगे जवाब। चुनाव के टाइम पे कहाँ जाएगा नेता, आएगा तो हमारे पास ही, हमारी गली में आएगा, तब हम जवाब मांगेंगे। क्यों मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं विश्व की आधुनिकतम प्रणाली वाली जो एजेंसी है वो परीक्षा करा रही है, और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जाँच कराएंगे। दो तरह के बयान आ रहे हैं सामने, क्या कहेंगे? अब देखो, मुख्यमंत्री जी ने कहा जाँच होना चाहिए, तो जांच होना थी भाई। जब प्रदेश का मुखिया बोल रहा है जांच होना चाहिए, आप बीच में आके बोलते हो कि ये हुआ वो हुआ, जांच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो इससे बचना चाह रहे। और मैं आपको बता दूं ये जांच से क्यों बचना चाह रहे, अभी एमपी पुलिस आई है, एमपी एसआई आएगी, उसमें भी तो करोड़ों रुपये कमाना है, तो ये सोच रहे कि इनकी इनकम तो गई, शून्य हो गई, तो ये अपनी इनकम बचाने के लिए एमपी पुलिस और एमपी एसआई के पद बेचने के लिए लिपापोती वाला काम कर रहे हैं। बल्कि युवा जाग चुका है, अब ये समझिए, अब ये फोड़ के रख देगा, कोई भी आएगा सामने ये नहीं छोड़ने वाला अब किसी को भी। जांच की जो बात कही गई है, अगर निश्चित समय में जांच नहीं होती है तो क्या आगे फिर से आंदोलन किया जाएगा, या फिर ये जांच लंबी खींचने का सरकार का प्रयास हो सकता है? अगर जल्दी से जल्दी जांच नहीं हुई और दोषियों को सजा नहीं दी गई, तो ये तो हम ज्ञापन देने गए थे, हम आंदोलन करने नहीं गए थे। आंदोलन करने तो हम भोपाल में जाएंगे, क्यों, सही है कि नहीं? ये हम केवल ये तो ज्ञापन देने गए थे, अभी आंदोलन देखा का हमारा, दिखाते भोपाल में एक दिन। अगर जांच सही नहीं होती है हम तो चलेंगे भोपाल, अभी तो केवल इंदौर का स्टूडेंट था और हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ज्ञापन दिलवाया। मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, एक जिले से अगर 50-50 गाड़ियां भी आई तो 2600 गाड़ियां आएगी, और एक गाड़ी में अगर 50-50 बंदा भी आया तो आप उसका अनुमान लगा लीजिए कि 2600 गाड़ी में कितना बच्चा आएगा। लगभग 1.5 लाख के करीब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे अगले आंदोलन के लिए, इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, अगर ये काम नहीं करते तो। आखिरी सवाल, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चयनित हुए हैं वो अलग से आंदोलन कर रहे हैं शायद 17 तारीख को, तो क्या लगता है कि स्टूडेंट्स में इससे विरोधाभास होगा या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखो, चयनित विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है जाँच का, जाँच होने दें, आप ये बीच में बाधा नहीं डालें। अभी हम निरस के पक्ष में बिल्कुल भी ना हैं, पर अगर ये विद्यार्थी अगर जानबूझकर अगर ऐसा काम करते हैं कि जांच नहीं होने देते और बीच में अगर ज्वाइनिंग मांगते हैं, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये भी दोषी हैं। इनका कहना है कि ये जांच के पक्ष में है, परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निश्चित समय में जांच पूरी होगी और छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और सीधे तौर पर कहना है कि ये आंदोलन कांग्रेस की तरफ से नहीं था, मध्य प्रदेश का युवा जाग चुका है, उसे अंदर से बेचैनी हुई कि अगर आज नहीं जागे तो कल पुलिस भर्ती में भी इनके साथ हो जाएगा कांड, और फिर इनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई और नहीं आएगा। शायद सुमित के साथ ये कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे, और सिर्फ इंदौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों के युवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे, बड़ी बात है। ऐसे समय में जहाँ युवा घर से नहीं निकल पाता, जनता महंगाई से परेशान होकर के सड़कों पर नहीं आ रही है, ऐसे में युवा अगर वहाँ पहुँच जाए तो वाकई में बड़ी बात है। आप जो भी सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बताइएगा कि इस मुद्दे में होना क्या चाहिए। पटवारी भर्ती परीक्षा जो हुई है इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या सही न्यायपूर्ण बात होनी चाहिए, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।